हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर आप सभी का दादा टेकी दादा आप सभी का स्वागत करता है। दोस्तों आज यहां पर होने जा रहा है Realme 9i का कैमरा रिव्यू। तो इसके फ्रंट कैमरा से कैसे फोटो आते हैं, इंडोर में कैसे आते हैं, आउटडोर में कैसे आते हैं, और रियर कैमरा का कमाल कैसा है, इसके अंदर मैक्रो लेंस भी आती है वो किस तरीके से काम कर रही है, इसके अंदर कौन से मोड्स आते हैं, सभी के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात मैं आपको इसके अंदर जो इंडोर सेल्फी मैंने लिया है वो दिखा दूं। तो इंडोर सेल्फी में जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि काफी हद तक स्किन स्मूथनिंग वगैरह सारी चीजें हो रखी हैं यहाँ पर, और लाइट एकदम चकाचक यहाँ पर आया हुआ है। कुछ कुछ जगहों पर तो ओवर एक्सपोज भी लग रहा है। तो ये आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं और आपकी स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा। तो देखिए थोड़ा थोड़ा सा जो है वो पिक्सलेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये एक 16 मेगापिक्सल का यूनिट है और ये फोटो है इसी फोन के रियर कैमरा का। मैंने फोन को फ्लिप करके ये फोटो खींची हुई थी, तो ये इसके रियर कैमरा का परफॉर्मेंस है। तो रियर कैमरा में आप देख सकते हैं कि लाइट जो है वो ज्यादा से ज्यादा नेचुरल आया हुआ है इसके अंदर जो है। सेल्फी में देखिए कि सारा लाइट जो है वो एक जैसा उन्होंने ज्यादा कर दिया है, और थोड़ा सा जो है वो वार्मर कलर्स की तरफ मुझे टिंट इसका ज्यादा लग रहा है। इसके अंदर जो है वो ज्यादा से ज्यादा नेचुरल दिखाई पड़ रहा है सब कुछ, ये आप देख सकते हैं, और क्वालिटी भी थोड़ी सी ज्यादा अच्छी है। अभी बाय डिफॉल्ट जब आप इसका कैमरा यूज करते हैं तब इसके अंदर जो है वो 50 मेगापिक्सल पर वो नहीं होता है, वो फंक्शन ऑफ होता है, उसको आपको ऑन करना पड़ता है अगर आपको 50 मेगापिक्सल में फोटो खींचनी है। तो ये देखिए दोस्तों, ये एक इंट्रो है जो कि मैंने इस फोन के साथ शूट की हुई थी। सोच रहे होंगे कि भैया ये कैसे वीडियो स्टार्ट किया हुआ है, इसने डायरेक्टली कैमरा से मोबाइल पे कैसे आ गया। तो खैर आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा वीडियो का कि आज जो है वो। तो दोस्तों कुछ इस तरीके का जो है वो इसका आउटपुट आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं कि आउटडोर सेल्फी है ये मेरी। तो आउटडोर में भी अगर मैं सेल्फी लेता हूँ तो लाइट देखिए किस तरीके से इसने बराबर से सेट किया हुआ है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि लाइट इस साइड से आ रहा है और ये साइड जो है वहां पर लाइट नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा पूरा का पूरा चेहरा जो है वो बड़े ही अच्छे तरीके से यहाँ पर लिटअप नजर आ रहा है। तो ये देखिए, ये मैंने ऐसे ही नेचुरली लिया था फोटो जस्ट फॉर द रेफरेंस। तो ये आप इतना जो है वो जूम कर सकते हैं, इससे ज्यादा जूम नहीं हो पाएगा, लेकिन आप इसका जो है वो एक ओवरऑल आउटपुट जरूर देख सकते हैं कि कलर्स किस तरीके से आ रहे हैं और क्या हो रहा है। आगे चल करके थोड़े से और फोटोज में आपको दिखा दूं तो ये फोटो जो है वो इसके सेल्फी मोड में पोर्ट्रेट मोड जो अलग से आता है उसका इस्तेमाल करके मैंने ली हुई है। तो आप बैकग्राउंड देख सकते हैं, बैकग्राउंड पूरी तरीके से ब्लर है और मेरा जो है चेहरा बिल्कुल फोकस के अंदर लगा हुआ है। तो कुछ इस तरीके का जो है वो इसका आउटपुट निकल करके आता है, और ये मैंने जानबूझ करके अगेंस्ट द लाइट खड़े होकर के ये फोटो खींची थी। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे से लाइट आ रही है, लेकिन फिर भी मेरा चेहरा जो है वो अच्छी तरीके से वेल लिटअप है। मेरे चेहरे के हर एक डिटेल को आप यहां पर देख सकते हैं। यहां पर जाऊं तो ये मैंने जूम करके फोटो खींची थी, खास जूम करके खींचने के लिए ये फोटो मैंने चूज किया था। तो आप देख सकते हैं कि हमारे कुत्ता सिंह यहां पर सोए हुए हैं आराम से, और जूम करके भी ज्यादा डिटेल जो है वो सफर नहीं हो रहे हैं इसके अंदर। यकीन मानिए मैं तकरीबन यहां पर जो है वो 8 से 10 फुट पीछे था और मैंने पूरा जूम करके ये फोटो जो है वो ली हुई थी। ये आप देख सकते हैं यहां पर, ये मैंने जनरल फोटो ली थी, और ये इसके रियर कैमरा का आपको फीड देने के लिए मैं ऐसे ही चल रहा था और वो मैंने शूट किया हुआ है। जाहिर सी बात है इसके अंदर ज्यादा जो है वो आपको स्टेबिलाइजेशन वगैरह देखने को नहीं मिलता है। तो जो मैं फुटस्टेप्स ले रहा हूँ वो आपको दिख पा रहे होंगे कि मैं आगे आगे चल रहा हूँ, लेकिन एक ओवरऑल क्वालिटी के लिहाज से काफी अच्छा आ रहा है। और ये इसके मैक्रो लेंस का कमाल है, ये मैंने मैक्रो लेंस का इस्तेमाल करते हुए ये फोटो ली हुई थी। तो जिसके तहत आप ये देख सकते हैं कि पीछे वाला पूरा एरिया जो है वो ब्लर हो चुका है और केवल ये जो फूल की कली है इसके ऊपर ज्यादा फोकस है। हालांकि बहुत ज्यादा क्लैरिटी वाइज मुझे अच्छा नहीं लगा है ये, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। तो अब एक्चुअली भी मैं इसके कैमरा में जाकर के आपको दिखा देता हूं। तो यहां पर देखिए एक नाइट मोड है,
इसके अलावा आपको ये नॉर्मल वीडियो मोड आता है। ये फोटो मोड में अगर आपको 50 मेगापिक्सल की फोटो खींचनी है तब आपको ये जो ऊपर का डॉट है इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद ये 50 मेगापिक्सल देखिए ऑफ दिख रहा है तो इसको आपने ऑन कर देना है। तो अब ये 50 मेगापिक्सल मोड में चला गया है, लेकिन इसके कुछ अपने यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, क्योंकि 50 मेगापिक्सल में जो है वो आप जूम नहीं कर सकते हैं और केवल जो है वो जैसा फोटो है वैसे का वैसा आपको लेना पड़ेगा। तो एक फोटो मैं अभी ले लेता हूं, तो ये आप देख सकते हैं, तो ये अभी 50 मेगापिक्सल में फोटो आने वाली है। तो ये देखिए दोस्तों, ये है कमाल 50 मेगापिक्सल का, जितना चाहे जूम कर लो, छोटे से छोटे डिटेल्स भी यहां पर बहुत ही प्यारे नजर आते हैं, एक एक डिटेल यहां पर नजर आती है। हालांकि किसी भी फोन के कैमरा में मैं बहुत अच्छा तो नहीं दिखता हूं, लेकिन फिर भी आप डिटेल के लिए इसका सहारा ले सकते हैं। तो 50 मेगापिक्सल मतलब 50 मेगापिक्सल है भाई, बहुत ही ज्यादा डिटेल के साथ फोटो आ रही है, ये बात तो माननी पड़ेगी। यहां पर पोर्ट्रेट मोड भी है इसका, और पोर्ट्रेट मोड में AI रीटचिंग जो है वो 40% पर है, इसको मैं 0% कर रहा हूं। और अब मैं फ्लिप कैमरा का इस्तेमाल करूंगा, यानी कि फ्रंट कैमरा का, और एक फोटो हम यहां पर खींच लेते हैं। तो लाइट जो है जैसे ही मैं चेहरा हिलाता हूं वो अपने आप लाइट को जो है वो रीसेट कर रहा है। तो अभी मैंने लाइट को जो है वो जानबूझ करके लो रखा हुआ था, तब जाकर के ये फोटो आई हुई है। लेकिन ऑब्वियसली इसका जो फ्रंट कैमरा है वो 16 का ही है, तो उतना ज्यादा डिटेल के साथ आपको फोटो नहीं देखने को मिलेगी। यहां पर मोर में जाएंगे तो आपको स्लोमो का भी ऑप्शन मिलता है, यहां पर टाइम लैप्स का ऑप्शन मिलता है, एक्सपर्ट का भी ऑप्शन है, अल्ट्रा HD है, पैनो है, टेक्स स्कैनर है, और अल्ट्रा मैक्रो का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो एक्सपोर्ट में आप जाएं तो आपको कौन सी सेटिंग मिलती है, तो यहां पर आपको ISO सेट करने की सेटिंग मिलती है, 100 ISO से लेकर के यहां पर आप 6400 ISO तक इसको बढ़ा सकते हैं। शटर स्पीड जो है वो आप 1:8000 से लेकर के 32 सेकंड्स तक का आप शटर जो है वो रख सकते हैं। अगर आपको लाइट पेंटिंग वगैरह करनी है तो 32 सेकंड्स का शटर भी इसके अंदर लगा हुआ है। यहाँ पर वाइट बैलेंस भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो हाल फिलहाल जो है वो ये ऑटोमेटिकली 5400 केल्विन के ऊपर है। इसको मैं अगर और ज्यादा कूल करूं तो ये देखिए पूरी तरीके से ब्लू दिखेगा, और अब ये थोड़ा थोड़ा जो है वो नेचुरल के करीब जा रहा है। यहाँ पर AF यानी कि ऑटो फोकस का भी ऑप्शन है, उसको भी आप मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं इस टॉय को रख लेता हूं और इसे मुझे शूट करना है, और ऑटो फोकस में तो ये देखिए ये अभी पूरी तरीके से ब्लर है, ISO को भी थोड़ा सा हम कम कर देते हैं, और मैनुअल फोकस, और ये देखिए ये अभी बेस्ट फोकस के ऊपर है, और ये फोटो हमारी खिंच चुकी है। तो ये आप देख सकते हैं भैया क्वालिटी, ज्यादा जूम करेंगे तो जरूर पिक्सलेट होगा, लेकिन ओवरऑल जो है वो आप मैन्युअली इसका फोकस वगैरह सेट कर सकते हैं। और यहां पर आपको एक्सपोजर कंट्रोल के लिए भी मिल जाता है, +2 से लेकर के -2 तक इसका एक्सपोजर जो है वो आप सेट कर सकते हैं। इसके अलावा ऊपर की साइड में आपको ये टाइमर मिलता है 3 सेकंड का या 10 सेकंड का, जो भी आपको चाहिए। यहां पर फ्लैश जो है वो कंपलसरी आप ऑन रखना चाहते हैं तो ऑन भी रख सकते हैं, या ऑटो पे रखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, या फिल लाइट नाम का एक और इसके अंदर सेक्शन आता है, उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों ओवरऑल मुझे इसके एक एक्सपीरियंस के बारे में क्या लगता है कि क्या इसका ओवरऑल आउटपुट है, तो सीधे सीधे तौर पर मैं आपको बताऊं तो फ्रंट सेल्फी कैमरा जो है वो ठीक ठीक काम करता है, लेकिन आप अगर एक्सपर्ट लेवल के फोटो चाहते हैं फ्रंट कैमरा से भी तो उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। रियर कैमराज की मैं बात करूं तो इसकी मैक्रो लेंस से मैं उतना ज्यादा खुश नहीं हूं, जितना ज्यादा शार्पनेस और क्रिस्पनेस मुझे चाहिए था फोटो के अंदर उतना ज्यादा नहीं मिल पाया। और इसके अंदर वो नोटिफिकेशन भी आता है कि आप 4 सेंटीमीटर तक लेके जाइए ऑब्जेक्ट के और फिर फोटो खींचे, मैंने वो भी करके देखा, लेकिन जितना शार्पनेस मुझे एक्सपेक्टेड था उतना इस लेंस के माध्यम से नहीं मिल पाया है। बाकी वीडियो क्वालिटी मुझे अच्छी लगी है, फ्रंट कैमरा की वीडियो क्वालिटी ठीक ठाक है, रियर कैमरा की काफी ज्यादा अच्छी है, मतलब एटलीस्ट कलर्स और लाइट वगैरह जो है वो बड़े अच्छे तरीके से इसके अंदर नजर आता है।
और ओवरऑल कलर जो है वो काफी ज्यादा पंची भी इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं, तो उसके अंदर भी कोई ज्यादा शिकायत नहीं है। ओवरऑल अगर एक फाइनल वर्डिक्ट में आपको बताना चाहूं तो फोटो इसके अंदर ठीक आएंगे, अगर प्रो मोड में निकालते हैं तो और ज्यादा आपको इसमें जो है वो थोड़े बहुत चेंजेस करने का और अपने हिसाब से फोटो निकालने की सहूलियत जरूर मिलेगी। 50 मेगापिक्सल का फोटो मुझे विशेष तौर पर इसका अच्छा लगा है, जो कि इसकी प्राइमरी लेंस है उसके अंदर के फोटो अच्छे हैं, लेकिन बाकी जो लेंसेस इसके अंदर लगाई गई हैं, जो कैमराज लगाए गए हैं, उनका जो यहाँ पर आउटपुट है वो मुझे थोड़ा सा एवरेज लगा हुआ है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, कुछ सवाल है आपके तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ सकते हैं।